चलिए बढ़ते खबरों में आगे। कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेस नेता रायपुर पहुंचे हैं। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने उन नेताओं से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। तमाम पूरे देश के नेता है, 15,000 से ज्यादा डेलीगेट है हमारे साथ। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता सुरेश पचौरी जी, कांग्रेस ने बड़े बदलाव की तैयारी कर दी है जिसका गवाह रायपुर बन रहा है। कैसे देखिए, ये जो रायपुर में AICC का अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन में जो फैसले होने जा रहे हैं उससे यह अधिवेशन अविस्मरणीय होगा, ऐतिहासिक होगा। एक तरफ कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान हो और उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर विचार मंथन हो रहा है। और तीसरा, देशवासियों के सामने जो उद्वेलित करने वाली समस्याएं हैं, चाहे बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, उससे लोगों को मुक्ति दिलाने की जरूरत है। उस दिशा में ये विचार मंथन हो। आप लोग जातिगत सेंसस जनगणना, जाति के आधार पर जनगणना का समर्थन करते हैं, आज आपने CWC और तमाम कमेटियों में भी वो दिखाई दिया, क्या लगता है इसी के सहारे चुनाव जीता जा सकता है? प्रश्न जातिगत आधार पर चुनाव जीतने का नहीं है, प्रश्न ये है कि कांग्रेस ने जातिगत गणना का समर्थन किया है। प्रश्न ये है कि आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, खासतौर से देश में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है और उससे छुटकारा दिलाने के लिए, प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है, इन सब पर अमल करने की जरूरत है। इस पर संकल्प लेकर काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तमाम नेता अलग अलग राज्यों से शिरकत कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो। हमारे साथ मध्य प्रदेश से विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्हीं से समझ लेते हैं क्या लगता है। आप युवा हैं, क्या लगता है युवा ही साधेगा इस देश को? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरे देश में हर विधानसभा में लगभग 40% मतदाता युवा है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिससे कि जो युवा की भागीदारी है वो और बढ़ेगी आने वाले समय में, चाहे ब्लॉक से लेके AICC तक हमने कदम उठाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इससे वो सफलता भी मिलेगी। इसके साथ आज जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब, उनने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों को दाम नहीं मिल रहा है और युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, आज बेरोजगारी से जो शिक्षित युवा है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, पूरे देश का, आज वो परेशान है। और यही भाजपा सरकार ने वादा किया था कि मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन भाजपा के राज में कहीं भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवाओं को रोजगार नहीं है, आज की जो मौजूदा स्थिति इस देश की है उसको किस तरीके से देखते हैं? छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से ED और IT की रेड है, बाकी तो तमाम दूसरे राज्य भी है, किस रूप में देखते हैं? मेरे अनुसार जो ये रेड हो रही है ED की, आयकर विभाग की, ये सब कहीं ना कहीं जो भाजपा की कायरता है उसका प्रतीक है। जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो राहुल जी को समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा में और जो करछली CM साहब की है छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लोग डर रहे हैं। हाल है जिस तरह की स्थिति है, अभी मौजूदा स्थिति है प्रदेश की, क्या लगता है भूपेश बघेल के साथ TS सिंहदेव भी एक पैरेलल ही चल रहे हैं कई बार? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ भूपेश बघेल साहब ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और साथ में जो TS सिंहदेव साहब है वो भी बहुत वरिष्ठ नेता है। देखिए, TS सिंहदेव वरिष्ठ हैं, भूपेश बघेल के काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीधी सीधी एक बात है कि जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति के हिसाब से धन बल हारेगा और जनता जनार्दन जीतेगी। इस समय सहयोगी अभिषेक डटसेना के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।